अक्वामैन 2 यानी अक्वामैन द लास्ट किंगडम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड मुझे पर्सनली ही लगा कि ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। विजुअल डिलाइट जिसे कहते हैं वो भी बहुत ही परफेक्ट है। अक्वामैन 1 की ही तरह इसमें भी जो अंडर विजुअल दिखाए गए हैं तो वो शॉट्स बहुत परफेक्ट हैं। इवन इस फिल्म में हमारे सामने एक रखा गया है नया विलन ब्लैक मैंटा, जो अक्वामैन और उसके फैमिली को बर्बाद कर देगा। क्यों और कैसे वो तो मूवी देखेंगे पता चल जाएगा। हालांकि इस मूवी को ब्रोमांस कह के भी पुश और प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि अक्वामैन अपने स्टेप ब्रदर को भी वापस इस मूवी में लाएंगे। खैर, मूवी आने वाली है दिसंबर 20 को 2024। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इस मूवी के बारे में कितने एक्साइटेड हैं। दूसरी न्यूज आ रही है बॉलीवुड की तरफ से। अब चाहे ये रूमर हो या रियलिटी, अगर ये होगा तो मजा 100 गुना बढ़ जाएगा। एक वीडियो आया है सामने जहां पर मुन्ना और सर्किट की जोड़ी राजकुमार हिरानी के साथ फिर से दिखाई दे रही है और सोशल मीडिया पे न्यूज ये फैल रही है कि SRK की आने वाली डंकी मूवी मुन्ना और सर्किट का एक छोटा सा कैमियो है। अब चाहे वो डंकी में कैमियो हो या मुन्ना और सर्किट की थर्ड फिल्म, तो हमें ये चाहिए, बस दे दो हमें। थर्ड न्यूज अगेन बॉलीवुड की है, अपने अर्जुन कपूर भाई साहब की। उसको कास्ट किया गया है सिंघम 3 मूवी में एज अ मेन विलन। हाँ भाई, वही जो भाईजान की भाभी को उड़ा ले गया। जो भाईजान की भाभी को उड़ा सकता है तो वो तो किसी से भी भिड़ सकता है, चाहे वो सिंघम क्यों ना हो। बट सीरियस जोक अपार्ट, क्या कोई दूसरा विलन नहीं था, या फिर ये कोई चाल है डूबते हुए अर्जुन के करियर को पार लगाने की? अरे भाई, ऐसा ही ना हो कि सिंघम 3 इसकी वजह से डूब जाए। और फोर्थ न्यूज है अगेन बॉलीवुड से ही, छोटा भीम की लाइव एक्शन मूवी आ रही है। इसकी जो एनिमेटेड फिल्म आई थी छोटा भीम द कर्स ऑफ, उसका लाइव एक्शन रीमेक है ये। एंड मैंने देखा ये, बहुत से लोग इसके विजुअल्स और प्रेजेंटेशन को कंपेयर कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इवन मजाक भी उड़ा रहे हैं। बट आई थिंक अगर यही ट्रेलर 5 से 12 साल वाले बच्चे को दिखाओगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि बच्चे जज नहीं करते। उनको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वो बस एंजॉय करेंगे। ये लाइव एक्शन फिल्म मैच्योर लोगों के लिए नहीं बनी, उस हिसाब से सही है। बट अगेन, ये थिएटर में लगने वाली है तो बच्चे अकेले तो जाएंगे ही नहीं, मम्मी पापा और बच्चे की तो ये ट्रिपल टिकट का फायदा, इनके मेकर्स को फायदा जरूर होगा। बट हाँ, सीरियस नोट, प्रोडक्शन क्वालिटी को और भी सुधारा जा सकता था। मूवी आने वाली है मई 2024 को, तो फिलहाल बहुत टाइम है। तो नेक्स्ट न्यूज है, पांचवी न्यूज भी बॉलीवुड से ही है, कि जो धड़कन मूवी आई थी आज से 23 साल पहले अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी, उसका सीक्वल बन रहा है। जी हाँ भाई लोग, सही सुना कि सीक्वल ही बन रहा है। गदर के बाद इन लोगों ने इंस्पिरेशन ले लिया है। वैसे मेकर्स का कहना है कि हमारे पास फिलहाल 2-3 आइडियाज हैं धड़कन की सीक्वल को लेकर, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि धड़कन की ओरिजिनल ही कास्ट को रिकास्ट किया जाए। और ये भी हो सकता है कि इसमें शायद नए चेहरे हों। नेक्स्ट और बिग, बहुत बड़ी न्यूज हमारे प्यारे शक्तिमान की तरफ से, जो है मुकेश खन्ना। इन्होंने 13 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 13 सितंबर को ही शक्तिमान को रिलीज हुए 26 साल हो गए हैं, और इस बर्थडे पर उन्होंने ये कंफर्म करवाया कि शक्तिमान फिल्म का काम चल रहा है। सोनी पिक्चर्स इस मूवी पर काम कर रही है और बहुत जल्द इसका बड़ा अपडेट हमारे सामने रखा जाएगा। सो चलो, ये फाइनली कंफर्म तो हो गया कि शक्तिमान मूवी भी आ रही है। जो 1 साल पहले टीजर दिखा के हमें सपने दिखाए थे शक्तिमान के, तो वो फाइनली ट्रू हो गया है। तो हमारा प्यारा शक्तिमान आएगा और नए अवतार में। नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, लोकेश कनगराज, जिनको हम जानते हैं उनकी लोकी यूनिवर्स के नाम से, कैथी, विक्रम और आने वाली फिल्म लियो के लिए उन्होंने रजनीकांत को साइन किया है अपनी अगली मूवी के लिए, जो रजनीकांत सर की 171वीं फिल्म होगी। म्यूजिक डायरेक्टर जवान और जेलर की तरह अनिरुद्ध ही होंगे और स्टंट डायरेक्टर होंगे KGF के अनबरीव। तो ये फिल्म लोकी यूनिवर्स का हिस्सा होगी या फिर एक स्टैंड अलोन रजनीकांत की मूवी होगी,
फिलहाल कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रजनीकांत सर भी अगर एलसीओ अगर जुड़ जाए तो साउथ में तहलका मच जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है एलसीयू से ही है, जो आने वाली फिल्म लियो को लेकर है, क्योंकि अब ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो इसका ट्रेलर सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा और लियो का दूसरा सांग 15 से 20 सितंबर में रिलीज किया जाएगा। अगली न्यूज सुन के आप, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर ये है टाइगर 3 में, जो कि सलमान खान की आने वाली फिल्म है टाइगर 3, दो कैमियोज होंगे, एक नहीं दो कैमियोज होंगे। तो अब एक कैमियो के बारे में हमें पता है, शाहरुख खान एज पठान, लेकिन ऋतिक रोशन का भी इसमें एक दूसरा कैमियो है, कबीर फ्रॉम वार मूवी। तो आगे चलकर जो लेडीज स्पाय भी आने वाली है, तो हो सकता है आलिया भट्ट का भी लेडी कैमियो हो। फाइनल न्यूज है नेटफ्लिक्स और YRF जिन्होंने किया है कोलैबोरेशन अपने आने वाली फिल्म्स और सीरीज, तो वो एक थ्रिलर सीरीज वो लॉन्च करेंगे जिसका नाम है रेलवे मैन, स्टारिंग आर माधवन, के मेनन, देवेंदु शर्मा एंड इरफान खान साहब के बेटे बाबुल खान, जो के 4 पार्ट की सीरीज होगी। उसके बाद महाराज नाम से एक पीरियड ड्रामा फिल्म भी आने वाली है नेटफ्लिक्स और YRF में, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान हमको नजर आएंगे। तो आपको ये मेरी न्यूज कैसे लगी? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।